हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि सऊदी अरबिया में हेल्पर की सैलरी कितनी होती है। एग्जैक्टली बताने वाला हूँ दोस्तों। एजेंट क्या बोलकर भेजता है वो तो मुझे मालूम नहीं है, मगर जो भी बताऊँगा दोस्तों, मैं ऑलरेडी दुबई में खुद 12 साल से जॉब कर रहा हूँ, और जो भी बताऊँगा रियलिटी के बेस पर बताऊँ, क्योंकि लोग सऊदी अरबिया से 1 साल 2 साल काम करके यहाँ पर आते हैं वर्कर भाई मैं, क्योंकि सऊदी और दुबई बस टच है, नज़दीक है, तो लोग आते हैं, मैं बातें करके फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ कि एग्जैक्टली सऊदी अरबिया में हेल्पर की सैलरी कितनी है। और मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ दोस्तों कि दुबई में कौन सी अच्छी कंपनी है, सऊदी में, ओमान, कतर, बहरेन, मगर कुछ ऐसा सवाल आ जाता है तो मैं सोचता हूँ अपने वर्कर भाइयों को अपना जो भी कमेंट का जवाब मैं वीडियो बनाकर दे दूँ। तो चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा दोस्तों, उस कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई जरूर जवाब देगा। तो चलिए शुरू करता हूँ, बताता हूँ कि सऊदी अरबिया में हेल्पर की सैलरी एग्जैक्टली क्या होता है। सही है, क्योंकि आपको एजेंट क्या बोल के भेजता है दोस्तों वो तो मुझे मालूम नहीं, बट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है वो सिर्फ वर्कर ही बता सकता है। एजेंट तो बोल के भेज देगा आपको कि 50,000 मिलेगा, 60,000 मिलेगा, मगर उस पर विश्वास नहीं करना है दोस्तों। जो लोग यहाँ पे हैं वो लोग ही आपको सच्चाई बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ, बताता हूँ कि एग्जैक्टली सऊदी अरबिया का हेल्पर की सैलरी क्या होती है। तो दोस्तों सैलरी बताने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हेल्पर की सऊदी अरबिया में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अपने चैनल पर मैं कंपनी का लिस्ट भी आपको ये बताया हूँ कि कौन कौन सी कंपनी दुबई में सबसे अच्छी है, कौन सी कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। तो आपको अगर मान लिया आप हेल्पर में जाते हो तो फर्स्ट टाइम आपको जो भी कंपनी में जाओगे तो फैसिलिटी क्या मिलती है दोस्तों। अगर आप बड़े बड़े में जैसे बताया कि अच्छे कंपनी में अगर आ गए तो सऊदी गवर्नमेंट का रूल और दुबई गवर्नमेंट का रूल लगभग सेम ही है। तो आप अगर मान लिए 2 साल काम करते हो दोस्तों, एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, तो 2 साल आप काम करते हो तो 2 लिप सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है, और 2 टिकट मिलेगी। मतलब छुट्टी में 2 साल के बाद आप जाते हो तो आने जाने का टिकट मिलेगी। फिर जब अगर फाइनल जाते हो मान लिए 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद, तो जो इंडिया में बोलते हैं PF वही मिलता है सऊदी अरबिया में भी। तो फाइनल जाने का टाइम भी आपको थोड़ा इतना पैसा मिल जाएगा कि आप अच्छे से कुछ अपने घर पे कर सकते हो। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हो दोस्तों, कि एजेंट लोग आपको सपने बहुत सारा दिखा देते हैं कि नहीं नहीं इतना सैलरी मिलेगा, ओवर टाइम से इतना पैसे कमा सकते हो, तो आप ओवर टाइम पर बिल्कुल भरोसा करके मत आना, जो आपकी बेसिक है वही हिसाब से। क्योंकि जब भी कंपनी के पास अगर ज़्यादा काम होता है तभी वो लोग ओवर टाइम दम तक कराते हैं, और जब काम कम होता है दोस्तों तो वो लोग ओवर टाइम नहीं कराते। तो इसलिए ओवर टाइम का कोई भरोसा नहीं है। ओवर टाइम कराओगे भी तो बहुत सारा कंपनियां हैं जो इधर उधर करके कार्ड भी देती है, बहुत सारा कंपनियां हैं जो देती भी है। तो ओवर टाइम के भरोसे आप बिल्कुल मत आना, क्योंकि आपका भाई जो बता रहा है वो रियलिटी के बेस पर बता रहा है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी दोस्तों मैं बताऊँ तो सेम दुबई का जितना सैलरी है हेल्पर की उतना यहाँ भी है। 800 रियाल से स्टार्ट है, लगभग 800 रियाल से 900 1000 1000 800 रियाल के बीच में ही आपको हेल्पर की सैलरी मिलेगी। इंडियन मनी आप वही समझ लो दोस्तों, 16,000 से 20,000 के बीच में। बहुत सारा जो बड़े बड़े कंपनियां वो खाना भी प्रोवाइड कराती है, और कोई कोई कंपनी आपको खाना नहीं देती है, उसमें 100 150 200 दरम आपको। हाँ ये है कि दुबई के मुकाबले सऊदी में थोड़ा महंगाई कम है, तो आप इजली ओवर टाइम करके आप थोड़ा 18 से 20,000 आप हेल्पर में कमा सकते हो, इससे ज़्यादा सैलरी